जो लड़का था ये सही समझता था कि यार ये तो अनबीटेबल है, ये तो मेरा कंपटीशन है ही नहीं, तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि मैं इसको हरा सकूं। लेकिन वो टीचर ने उसे जब बताया कि यार तुम कर सकते हो ये काम, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये रियलाइज करना है कि शाबाश तुम कर सकते हो। ये चीज़ जब उन्होंने उस टीचर ने मोटिवेशन दी उस बच्चे को, तो उस बच्चे ने 6 महीने के लिए मैट्रिक में अंत तक मेहनत की और एक टाइम टेबल बनाया जिसके तहत वो मेहनत करता चला गया और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता चला गया। तो जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो उसने टॉप किया था, और जो उसके जहन में डाउट्स थे अपने बारे में कि वो नहीं कर सकता, वो निकल गए। तो इसके बाद उसने FSC में भी टॉप किया, फिर उसके बाद उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, पाकिस्तान की जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ से उसने नेशनल यूनिवर्सिटी साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और उसके बाद उसने कुछ साल पाकिस्तान में उसको अच्छी कंपनी में, टेलीकॉम की कंपनी में नौकरी मिल गई, और उसके बाद उसने कुछ अरसा दुबई में गुजारा जहाँ पर उसको एक मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब मिली। उसके बाद कुछ टाइम उसने वापस पाकिस्तान में लगाया एक टेलीकॉम की कंपनी जो मोबिलिंग, जिसको आप जैज़ कहते हैं, और उसके बाद वो UK चला गया। जब वो 2006 या 7 की बात है कि उसके माइंड में ये चीज़ आ गई कि जो ज़िंदगी का मकसद है वो सिर्फ यही नहीं है कि हमने अपने लिए जीना है, बल्कि ज़िंदगी का मकसद है कि हमने दूसरों के लिए जीना है, लोगों की खिदमत करनी है। उसको ये चीज़ समझ आ गई कि अल्लाह मियाँ ने जो रिस्क लिखा है उसका रिस्क तो मिलना ही मिलना है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी ज़ात से ज़्यादा। जैसे आप देखते हैं कि ईदी साहब ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम किया, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। तो जब ये चीज़ उसे क्लिक हो गई, तो बेशक वो UK चला गया और वहाँ जाकर उसने एक अच्छी कंपनी में बड़ा अच्छा कैरियर इस्टेब्लिश कर लिया, और 7-8 साल में वो काफ़ी आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जो जिस चीज़ ने उसे ये चीज़ समझ में ये बात आई थी कि भाई जीना दूसरों के लिए, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, उस जज्बे के तहत उसने वो जॉब अपने पीक पे छोड़ दी। उस वक्त उसकी सैलरी कोई 15-20 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ थी, और उसके बाद उसने स्टार्ट किया अपना काम, और वो भी उसने पाकिस्तान आकर स्टार्ट किया, क्योंकि उसको पता था कि यार यही वो मिट्टी है जहाँ से हम उठे हैं और यहीं से हमने आगे बढ़ना है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान में है कि हम लोगों की ज़िंदगियों में को वैल्यू ऐड कर सकें, किसी की ज़िंदगी बेहतर बना सकें। तो इस सिलसिले में चूँकि उसकी नीयत साफ थी, तो अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी से नवाजा और उसके लिए सक्सेस के रास्ते खुलते चले गए। और एक कंपनी टेलीकॉम IT की बनाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, फिर उसके बाद उसने एक और ऐसी कंपनी बनाई जो इंटरनेशनल कंपनी थी। कुछ काम उसका UK यूरोप में था, कुछ काम पाकिस्तान में था, और जो दुनिया की टॉप कंपनीज हैं उनको वो उसकी कंपनी की क्लाइंट्स थी। तो आपको ये बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त जिसकी मैंने आपको बच्चे की कहानी सुनाई वो आपके सामने खड़ा हुआ है, और जिस टीचर ने उस बच्चे को मोटिवेट किया था और उसको रास्ते पर डाला था वो ये टीचर है। इसमें आपके लिए कुछ लेसन्स हैं। एक तो लेसन ये है, मैं आपको ना बिल्कुल आपकी ज़ुबान में समझाऊंगा। एक चीज़ तो ये है कि अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आएं मेहनत करने का। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टार्ट वहाँ से हुआ था जब उस टीचर ने उसे समझाया कि यार तुम कर सकते हो। इतना काफ़ी नहीं होता, अगर वो उसे कह दें कि यार तुम कर सकते हो, वो जाके सो जाए या TV देखता रहे या YouTube देखता रहे या Netflix देखता रहे घर जाके, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि अपने अंदर एक डिसिप्लिन लेके आएँ कि यार आपने अब खुद से अनथक मेहनत करनी है, और अगर जितनी जल्दी आप ये सीख जाएंगे ना, ज़िंदगी में कभी आप नाकाम नहीं होंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम में से कुछ लोग गरीब पैदा होते हैं, सियाने बंदे ने यह बात की है कि जो गरीब बंदा होता है ना, वो उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप गरीब पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आप गरीब ही इस दुनिया से चले जाएं तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आपके पास एक मौका आया था अपनी ज़िंदगी को बदलने का जब आपको अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा, और अगर आपने उसमें कुछ अचीव नहीं किया ना, कुछ बने नहीं आप, तो फिर आपने वो मौका गंवा दिया। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने दिल से तहिया करें कि आपने अपनी ज़िंदगियों को आज से बदलना है,
और अपने आप को चेंज करना है। क्यों करना है? ताकि आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकें। सक्सेस जो होती है ना, ये जो कामयाबी होती है, ये बहुत, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, बड़ी रेलिवेंट रिलेटिव टर्मिनोलॉजी। हर एक के लिए सक्सेस डिफरेंट है। कुछ लोग दुनिया में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, कुछ लोग दुनिया और आखिरत की सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। एज अ मुसलमान हमें दुनिया और आखिरत की फलाह और कामयाबी के ऊपर फोकस करना चाहिए। इसीलिए हम दुआ मांगते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरत हसना वकिना अज़ाबन्नार। सबसे पहला काम है कि आपने मेहनत करनी है और उसके बाद आपने अल्लाह ताला पर उसका नतीजा छोड़ देना है। एक खूबसूरत से शेर है इस सिलसिले में, अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। तो मेरा आप सबके लिए मैसेज ये है कि आपने जो इम्पोर्टेंस है वो इस वक्त फोकस की है, स्टडीज पर फोकस करें, टीचर्स की रिस्पेक्ट करें और किसी तरीके जितना भी आप लर्न कर सकते हैं करें। क्यों करना है? ताकि हमने अपना भी हालात को बदलना है, पाकिस्तान के हालात भी बेहतर बनाने हैं और पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है। तो मेरे साथ आपने यक आवाज़ होकर अभी मैं पाकिस्तान कहूँगा और आपने मुझे शो करना है कि आपके अंदर बाकी कोई रूह जागी है और कोई वलवला आया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान, थैंक यू।